वही अगली खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आ रही है, जहां अस्पताल में अंधविश्वास की एक तस्वीर सामने आई है। जहां एक महिला मरीज के बगल में बैठी बुजुर्ग महिला उसके बालों को छूकर झाड़ फूंक करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें जिला अस्पताल के ओपीडी के पास की बताई जा रही है, जहां एक महिला मरीज के बगल में बैठी बुजुर्ग महिला उसके बालों को छूकर यह काम कर रही है। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ भी इधर उधर जाकर यह नजारा देखता रहा, लेकिन किसी ने अंधविश्वास के इस खेल को नहीं रोका। अब छतरपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन वीडियो सामने आने के बाद कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो यह बहुत गलत है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, आपके माध्यम से पता चला है। इस प्रकार की चीज़ें जिला अस्पताल में यदि कोई कर रहा है तो बहुत ही गलत है, और यदि कोई कहता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्योंकि शासन द्वारा सभी प्रकार के विशेषज्ञ हैं, सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर मेंटल कक्ष भी बनाया गया है। कोई बीमार आदमी आता है जो मानसिक रूप से वो है, बीमार है, उसके लिए डॉक्टर भी हैं, तो यहाँ इलाज करा सकते हैं। झाड़ फूँक के लिए जिला चिकित्सालय में कोई जगह नहीं है। आधुनिक युग में झाड़ फूँक के लिए जगह नहीं है। झाड़ फूँक से कोई आदमी सही नहीं हो सकता है। उसका सही उपचार जिला चिकित्सालय में जाएं और डॉक्टरों को दिखाएं। झाड़ फूँक में विश्वास नहीं रखना चाहिए। मैंने जो संबंधित जो जिम्मेदार हैं, जो सहायक मैनेजर हैं और मैट्रन, उनको निर्देशित कर दिया है कि इसको तत्काल संज्ञान लें और इसकी पूरी जानकारी मुझे दें।